प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति स्वरूप जोगनिया माता जी की मंदिर तस्वीर भेंट करने का जिला मांडल क्षेत्र के बाकली निवासी शिव सिंह ने प्रण कर रखा है। शिव सिंह ने बताया कि पर्यटन स्थल मैनाल से जोगनिया माता जी मंदिर तक सड़क मार्ग खराब होने से पहले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने माता जी के सामने प्रण किया कि जब तक यह रोड नहीं बन जाता तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और प्रधानमंत्री से यह रोड सैंक्शन करवाएंगे। लेकिन अब यह रोड चित्तौड़ सांसद जोशी द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन गई है। अब उनका कहना है कि अब प्रण के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को माता की तस्वीर भेंट कर ही जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इसके लिए सिंह मोदी जी से मुलाकात के लिए कई जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर चुके हैं। मैं शिव सिंह राणावत, ग्राम बांकली, विधानसभा मंडल, लोकसभा भीलवाड़ा, पर्यटक स्थल मैनाल से जोगनिया माता तक रोड के लिए समस्त यात्रीगण की समस्या थी, तो मैंने जोगनिया माता रानी के लिए एक मन्नत मांगी थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक जोगनिया माता रानी की समृद्धि चिन्ह देते हुए और रोड सेक्शन करवाऊंगा। तो चित्तौड़गढ़ सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जोशी साहब के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड सेक्शन करवा दिया और अनुमानित 12 महीना पहले मेरे गांव बांकली से मैनाल तक मैं पैदल गया और मैनाल से लौटने यात्रा सिर के बल से लौटने यात्रा मैंने 4 दिन तक कर ली। अब मैं इस जोगनिया माता रानी की समृद्धि चिन्ह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहता हूं। इस संबंध में मैं लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय ओम बिरला साहब, जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, इन सभी से मैं अवगत करवा चुका हूं। मैं आशा करता हूं आदरणीय लोकवाणी के माध्यम से कि मुझे जोगनिया माता रानी की समृद्धि चिन्ह भेंट करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को। और अनुमानित मुझे 50 महीने हो गए मैं जूते चप्पल नहीं पहन रहा हूं और आज अनुमानित 76 दिन हो गए मैं भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। और जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं जोगनिया माता रानी की समृद्धि चिन्ह भेंट नहीं कर देता तब तक मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। और जैसे ही मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जोगनिया माता रानी की समृद्धि चिन्ह भेंट की और बांकली से पैदल शनि महाराज से साम्राज्य चित्तौड़ और वहाँ से कुल देवी बाइण मातेश्वरी और फिर जोगनिया माता रानी जाके मैं भोजन ग्रहण करूँगा। जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये तस्वीर भेंट नहीं कर देता तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जिले के सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती सालरिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को असामाजिक तत्व की एक घिनौनी घटना सामने आई है, जहां असामाजिक तत्वों ने विद्यालय के एक कमरे की खिड़की तोड़कर चोरी का प्रयास किया। साथ ही विद्यालय में लगी रेलिंग में पंखे के तार से करंट छोड़ दिया, जिसकी चपेट में आज सुबह एक छात्रा आ गया। गनीमत रही कि छात्र को हल्का करंट लगने से बाल बाल बच गया। इतना ही नहीं, सामाजिक तत्वों ने विद्यालय की दीवार पर बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र को खंडित कर उस पर गोबर लेप दिया। प्रधानाचार्य किशन सिंह राठौड़ ने बताया कि कल गुरु नानक जयंती का अवकाश होने के चलते आज जब विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय गेट का ताला खोलकर ऑफिस में गए। इसी दौरान विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र मनीष प्रजापत ने आकर बताया कि वह अपने कमरे में जा रहा था। इसी दौरान रेलिंग में उसे करंट का झटका लगा, जिस पर विद्यालय स्टाफ ने जाकर देखा तो दोनों तब लगी रेलिंग पर तार से करंट प्रभावित हो रहा था, जो तार कमरे में पंखे के लगा रखा था। उसको असामाजिक तत्वों ने खींच कर रेलिंग को लगा दिया। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में एक दीवार पर बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र को खंडित कर चित्र पर गोबर लेप लिया। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों ने प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर दीवार पर शौच कर मिट्टी से गंदगी फैलाती। इसकी सूचना प्रधानाचार्य ने स्थानीय जनप्रतिनिधि व एसडीएमसी सदस्यों को दी। वही साथ ही कोटड़ी थाना पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरिया पंचायत समिति कोटड़ी, जैसे ही कल गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी और आज विद्यालय समय पर हम पहुंचे और ताले खोल करके अंदर पहुँचे, इसके साथ साथ ही मनीष प्रजापत कक्षा 8 का जो छात्र बरामदे में जैसे चढ़ा और तो उसके पास रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के जैसे ही उसने हाथ टच किया तो उसके करंट का झटका लगा। उन्होंने कहा इसमें करंट आ रहा है और झटका उसका मामूली से झटका लगा। उसने बताया कि गुरु जी इसमें करंट आ रहा है, तो हम स्टाफ उधर की ओर हम जोड़ करके उन तारों को हटाया गया था। वो तार ऐसे तोड़े गए थे कक्षा 7
कि जो मैं जो लगे हुए पंखे हैं उनका तोड़ करके उस रेलिंग में टच किया असामाजिक तत्वों द्वारा। साथ ही साथ फिर हमने देखा और क्या घटना घटी, तो विद्यालय प्रांगण के पास में ही चित्रांकित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति चित्रांकित की हुई है उसके ऊपर भी उन्होंने गोबर लेप दिया और गंदगी कर दी। उसके बाद में संस्था प्रधान के कार्यालय की ओर गया तो वहाँ गेट बंद था और उसे गेट के वहाँ पर ही उन्होंने पेशाब और गंदगी के बारे की थी। इस संदर्भ में मैंने ग्रामवासियों एसएमसी सदस्यों को सूचित किया और गांव के गणमान्य नागरिकों और सरपंच साहब को तुरंत प्रभाव से विद्यालय प्रांगण में बुलाकर के बैठक किया और ये उक्त जानकारी उनको दी। तो उन्होंने यही कहा कि तुरंत प्रभाव से थाने में आप इसकी सूचना दें, इस निमित्त में सूचना देने के लिए। विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रव्यापी हित चिंतक अभियान 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चल रहा है। इसी के तहत आज बनेड़ा के मुख्य बाजार में हित चिंतक अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद बनेड़ा प्रखंड के अध्यक्ष रामनिवास उथाड़ ने जानकारी देते हुए बताया, हित चिंतक अभियान बनेड़ा खंड के प्रभारी कैलाश चंद्र दयाश्री के नेतृत्व में बनेड़ा नगर का कार्यक्रम आज से शुरुआत किया गया। मुख्य बाजार की शुरुआत शाहपुरा दरवाजा बस स्टैंड से की गई। इस अवसर पर विहिप सामाजिक समरसता अभियान के प्रांत प्रमुख बद्रीलाल सोमानी, विहिप जिला उपाध्यक्ष शंभूलाल देराश्री, भारत विकास परिषद बनेड़ा के अध्यक्ष एवं विहिप सत्संग प्रमुख सुनील कोठारी, गाडरी समाज के युवा संभाग अध्यक्ष भैरूलाल गाडरी सहित विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उप तहसील मुख्यालय पर नायब तहसीलदार को रात्रि 3-फेस लाइट के बजाय दिन में करवाने के लिए सरपंच प्रकाश चंद्र रैगर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार बड़लियास को मुख्यमंत्री के नाम और पूर्व विधायक विवेक धाकड़ मांडलगढ़ के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि किसानों को पहले की तरह 3-फेस लाइट दिन में दी जाए ताकि ग्रामीणों को रात्रि में कोई अनहोनी ना हो। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सत्यनारायण काबरा, पूर्व सरपंच जीवा खेड़ा, शोभालाल जाट, उप सरपंच बड़लिया सत्यनारायण सोनी, जीएसएस व्यवस्थापक मदन धाकड़, जगदीश पोरवाल, अनिल पोरवाल, बालचंद खटीक, वार्ड पंच नंदलाल कीर, गोपाल पोरवाल, भैरू धाकड़, रामेश्वर धाकड़, सोहन प्रजापत, गोपाल रैगर, ओम प्रकाश नाथ व क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद थे। जिले के संगीत कलाकारों की संस्था श्री संगीत संस्थान द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। संस्था के मीडिया प्रभारी सुखदेव खापा ने बताया कि प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। संस्थापक के पूर्व अध्यक्ष बद्रीलाल गाडरी ने गणपति वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वरिष्ठ कलाकार रामपाल भाट, नारायण मेघवंशी, रमेश सेन, राजीव राव, जगदीश धाकड़, बालकिशन जाट, पन्नालाल सालवी, हरिराम लोहार, रणजीत सिंह, फूल सिंह, गणपत वैष्णव परमेश्वर आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। ऑर्गन पर महावीर का गपासेरा, भंवरलाल खटवाड़ा, सुखदेव महुआ, ऑक्टोपेट पर कमल गंधर व ढोलक पर भैरूलाल राव ने संगत की। भैरूलाल साहू कोठरी, लादूलाल गाडरी ने भाव प्रस्तुत किया। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष जगदीश जागा, महासचिव सूरज वैष्णव व सांस्कृतिक मंत्री कैलाश रुपयाती ने सभी कलाकारों को माल्या अर्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। जगदीश चौधरी के वीर तेजा साउंड के साथ कुमार शिव पिथास ने कुशल संचालन किया। श्री महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने बताया कि समिति द्वारा संचालित विद्यालय श्री महेश शिक्षा सदन भिलवाड़ा के विद्यार्थियों ने 66वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अंकित जाट कक्षा 12वीं ने जाट ने अंडर 17 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 52 kg वर्ग में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। इसी क्रम में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु समूह में कक्षा 10वीं के आदित्य प्रजापत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर करण स्वर्ण पदक जीता। दोनों विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया, सदस्य सुरेश चंद्र काबरा एवं प्रधानाचार्य प्रियतम वर्मा ने छात्रों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
शाहपुरा उप तहसील डिकोला के राजकीय आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुष प्रकोष्ठ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जलदीप पतिक की पदोन्नति होने पर उपनिदेशक कार्यालय भीलवाड़ा में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नाम रनेश मीना ने बताया कि डॉक्टर पतिक द्वारा आयुर्वेद जनक भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गायत्री परिवार के जगदीश जोशी द्वारा विधि विधान से माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कराकर कार्य ग्रहण किया गया। इस अवसर पर सहायक निर्देशक डॉक्टर श्यामधर मिश्र, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक शर्मा एवं सत्यनारायण भट्ट, लेखा अधिकारी मनीष बल्दवा आदि ने जिला कार्यालय की तरफ से आयुष प्रकोष्ठ, राजस्थान के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता मीना के नेतृत्व में संगठन सदस्यों द्वारा, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर सदस्यों द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा, राजस्थान चिकित्सा अधिकारी संघ के सदस्य, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के सदस्य स्वागत किया गया।